नमस्कार स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास नई स्टार्ट कर रहे हैं। परमाणु संरचना कक्षा 11 रसायन विज्ञान में एक नए टॉपिक है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं रसायन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्वांटम संख्याओं के सहायता से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो इससे पहले वीडियो में हम आपको परमाणु के बारे में बता चुके हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकार आकृति और दिशा विन्यास के परमाणु ऑर्बिटलों में उपस्थित होते हैं। तो क्वांटम संख्याओं से इनकी सहायता से हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की जानकारी करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का एड्रेस होता है उसी प्रकार से क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की या पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। क्वांटम संख्याएं से हम एक परमाणु के ऊर्जा स्तर एवं उसकी स्थिति क्वांटम संख्याओं की अगर हम परिभाषा को देखें तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर एवं उसकी स्थिति का निर्धारण किया था। ऊर्जा स्तर और स्थिति क्वांटम संख्याएं में जो क्वांटम संख्याओं में पहला प्रकार होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसे पहले वीडियो में हम आपको आप बता चुके हैं कि परमाणु नाभिक के चारों ओर स्पर्श वृत्तीय कक्षाएं तो उपस्थित नहीं होती, पर नाभिक के दो भाग परमाणु के दो भाग होते हैं, एक परमाणु का नाभिक और एक उसके चारों ओर का क्षेत्र। चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उनमें कोस के एल एम एन इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। नाभिक के जस्ट बराबर में जो कोस के कोस है उसे एन उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है और एल कोस के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एम कोस के लिए एन की वैल्यू 3 होती है और एन कोस के लिए एन की वैल्यू 4 होती है। इस प्रकार से कोसों की संख्या जो होती है वो अनंत होती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में परमाणु के आकार को प्रदर्शित करती है इसके बाद इसका जो मान जो संभावित मान होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या जो m है इसके संभावित मान n बराबर 1, 2, 3, 4 और इन्फिनेटी तक हो सकते हैं। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या की जो मान होता है कोई भी धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है और शून्य जो है इसका मान नहीं हो सकता, इसके बाद एक दूसरी क्वांटम संख्या एक और बात देखें
कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। इसका अर्थ है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो परमाणु के आकार से संबंधित होती है। दूसरी क्वांटम संख्या क्या होती है? दिगंसी क्वांटम संख्या। दिगंसी क्वांटम संख्या बच्चों, दिगंसी क्वांटम संख्या इसको अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इस एजीमुथल क्वांटम संख्या को एल से डिनोटेट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऊर्जा स्तर या किसी भी ऑर्बिटल की आकृति को दर्शाती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी भी परमाणु में ऑर्बिटल की आकृति को दिगंसी क्वांटम संख्या दर्शाती है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यदि एन बराबर वन हो तो एल के मान ज्ञात करने के लिए एल बराबर जीरो से एन माइनस वन तक होते हैं, अर्थात एल के संभावित जो मान होते हैं वो जीरो से एन माइनस एक तक होते हैं। यदि हम एन की वैल्यू को एक रखें अर्थात पहले कोश की बात करें तो एल का जो मान होगा वो जीरो होगा। यदि एन बराबर दो तो एल, अगर सूत्र से देखें एल बराबर जीरो से और एन माइनस दो, एन का मतलब दो माइनस वन तक, अर्थात जीरो और एक, जीरो से एक तक, जीरो से एक तक का मतलब जीरो और एक। इसका मतलब एन बराबर दो के लिए एल के मान दो मान होंगे, एक जीरो और एक एक मान होगा। एन बराबर तीन, यदि एन की वैल्यू तीन हो तो एल के मान, सूत्र में देखें एल बराबर तीन हो तो जीरो से दो तक, जीरो से दो तक का मतलब जीरो वन और टू, जीरो वन टू। यदि एन बराबर चार तो एल बराबर एल की वैल्यू होगी सूत्र से जीरो से एन माइनस वन तक, मतलब जीरो से चार माइनस एक तक, तो जीरो से तीन तक, और जीरो से तीन तक का मतलब जीरो एक दो और तीन, जीरो एक दो तीन। कहने का मतलब यह है कि द्विगंसी क्वांटम संख्या के जितने मान होते हैं उतने ही कोश की क्रम संख्या होती है। दोबारा से ध्यान से देखें, यदि किसी भी कोश में कोई भी कोश है, कोश का जो नंबर होता है उसमें उपकोशों की संख्या उतनी ही होती है। इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि चौथा कोश होता है वो, उसमें चार उपकोश होते हैं एस पी डी और एफ। तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक आप नोट कर लीजिए कि यदि एस उपकोश, कहीं पर एस उपकोश होता है तो इसका मतलब है वहां पर दिगंसी क्वांटम संख्या एल की वैल्यू जीरो होगी। यदि पी उपकोश है तो इसका मतलब एल की वैल्यू एक होगी, और डी उपकोश के लिए एल की वैल्यू दो होगी, एफ उपकोश के लिए एल की वैल्यू तीन होगी। इसके बाद एक तीसरी क्वांटम संख्या होती है, इसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि कोश उपकोश और जो ऑर्बिटल हैं उन ऑर्बिटलों के दिशा विन्यास को प्रदर्शित करती है। दिशा विन्यास मतलब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के दिशा विन्यास को प्रदर्शित करती है।
इसके जो मान होते हैं यानी जो m के मान हैं, या इसको हम m l भी लिख सकते हैं, इसके जो मान होते हैं वो l पर डिपेंड करते हैं। m के मान किस पर डिपेंड करते हैं? l, l mean azimuthal quantum number पर डिपेंड करते हैं, azimuthal quantum number। m की जो पॉसिबिलिटी यानी m के जो संभावित मान होते हैं, m के संभावित मान, संभावित मान के लिए माइनस l से प्लस l तक और शून्य सहित या प्लस l से माइनस एल तक शून्य सही। तो हमने देखा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? किसी भी ऑर्बिटल के दिशा विन्यास को दर्शाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और इसके जो मान होते हैं वो एजीमुथल क्वांटम संख्या अर्थात एल पर निर्भर करते हैं। एम के जो संभावित मान होते हैं वो माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित या प्लस एल से माइनस एल तक शून्य सहित होते हैं। अब यदि एल बराबर जीरो तो एम के मान, यदि एल का मान जीरो है तो एम के मान सूत्र के हिसाब से एम बराबर माइनस एल से प्लस एल तक शून्य से। अब यदि एल की जगह जीरो रखें तो जीरो से जीरो तक, यानी कि माइनस जीरो से जीरो तक का मतलब केवल जीरो। यदि एल इजिकल टू वन हो तो एम के मान सूत्र से देखें तो L के स्थान पर एक माइनस एक से प्लस एक तक शून्य सहित, शून्य सहित का मतलब माइनस वन, जीरो और प्लस वन। जैसे आपने देखा है सबने कि जीरो, जीरो के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दो तीन और पीछे माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। इसी प्रकार से आगे के लिए जीरो से आगे पॉजिटिव, और जीरो सहित का मतलब है पहले नेगेटिव वैल्यू, बाद में जीरो और उसके बाद में पॉजिटिव वैल्यू। इसी प्रकार से आगे यदि एल बराबर दो तो एम के जो मान होंगे बराबर होंगे सूत्र में देखने के बाद माइनस दो से प्लस दो तक शून्य सही, माइनस दो, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू। एल बराबर तीन तो m के मान माइनस तीन से प्लस तीन तक शून्य से, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री। किसी यदि हम इनको देखें या दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों को, रिलेशन को देखें तो m के जो मान होते हैं, m के जो कुल मान होते हैं, कुल मान 2l प्लस 1 होते हैं। अगर आपको m दिया हो और यदि l दिया गया हो और m के कुल मान हमें निकालने हो तो 2l प्लस 1 की सहायता से m के कुल मानों की गणना की जा सकती है। जैसे यदि l बराबर 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 1 अर्थात एक मान, एक मान। l बराबर 1 के लिए, l बराबर 1 के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इजिकल टू 3 मान, तीन मान थे, माइनस 1, 0 और प्लस 1। l बराबर 2 के लिए इसी प्रकार से l बराबर 2 के लिए 2 गुणा 2 प्लस 1
इज इक्वल टू 5 है, यानी पांच मान इसके निकले, माइनस दो माइनस एक जीरो, प्लस एक और प्लस एक प्लस दो। एल बराबर तीन के लिए, तीन के लिए तो तीन इंटू दो प्लस वन इजिकल टू 7 मान। एल बराबर तीन के लिए एम के माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस। ऑर्बिटल हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल बराबर जीरो एक दो तीन। यदि उपकोष को देखें, उपकोष एस पी डी एफ, इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि उपकोषों में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल इसमें केवल एक कक्षा ऑर्बिटल होता, यानी एस सबसेल में, एफ सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। पी सबसेल यानी एल बराबर एक के लिए एम के तीन मान होते हैं, अर्थात पी सबसेल के लिए एल के तीन मान, तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल में माइनस एक जीरो और प्लस एक होते हैं। आगे चल करके इनको पता चलेगा कि पी एक्स पी वाई और पी जेड से दर्शाते हैं। एल बराबर तीन के लिए, एल बराबर दो के लिए, अगर एल बराबर दो है तो एम के कितने मान है, पांच मान होंगे, अर्थात पांच ऑर्बिटल होते हैं, ये पांच ऑर्बिटल होते हैं। इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एफ इसके बाद एल बराबर तीन के लिए, एल बराबर तीन, इसका मतलब एफ उपकोष, एफ उपकोष में एफ एम के जो मान हैं वो 7 मान निकलते हैं, अर्थात 7 ऑर्बिटल होते हैं। सात ऑर्बिटल, इसकी जो आकृति होती है वो जटिल आकृति होती है। एस एस ऑर्बिटल जो होता है, यानी एस मीन होता है शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी इज इक्वल टू डिफ्यूज्ड, एफ मीन फंडामेंटल। ये जो जो सबसेल होते हैं उनके नाम होते हैं, एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। यदि हम इनकी शेप देखें, इनकी आकृतियों को देखें, तो इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, मीन जिसे कहते हैं हम गोलाकार, गोलाकार या स्फेरिकल। इसकी जो आकृति होती है वो डंबल शेप होती है, डंबल, डंबल शेप का मतलब डमरू के आकार की, डंबल शेप। और डी ऑर्बिटल की जो आकृति है वो डबल डंबल शेप, अर्थात डबल डंबल शेप। और इसकी जो आकृति होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, अर्थात इसकी जो आकृति है वो जटिल होती है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण
क्वांटम संख्या। चैप्टर ऑन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब होता है, हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल, जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में, जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की चक्रण को दर्शाती है, स्पिन को शो करती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रोटेट करते हैं तथा अपने अक्ष पर भी रोटेट करते रहते हैं। अगर हम देखें तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, तो दो तरीके से रोटेशन हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चक्रण क्वांटम संख्या को एस से डोनेटेड करते हैं, एस से, या फिर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो मान होते हैं वो प्लस एक बटे दो, या जो हाफ तीर होता है ऊपर की ओर होता है उसे प्लस एक बटे दो ऊपर की ओर तीर ला के दर्शाते हैं, या माइनस एक बटे दो या नीचे की ओर तीर ला के दर्शाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर होती है उसे प्लस एक बटे दो, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए माइनस एक बटे दो या नीचे की ओर तीर होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इन सब क्वांटम संख्याओं में यदि कोई रिलेशन जोड़ें, चारों क्वांटम संख्याओं में अगर रिलेशन देखें एन एल एम और एस, एल मीन मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य, एल मीन दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एम एस मीन चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब एन, दिगंशी क्वांटम संख्या एल, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम एल या एम या एम, चक्रण क्वांटम संख्या एम एस या एस, एन 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 स्क्वायर और टू एन स्क्वायर। यदि एल बराबर वन है तो दिगंशी क्वांटम संख्या एल के मान भी एक होगा, जीरो है तो एक मिनट रोकी वजह। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 हो तो n की वैल्यू अगर 1 है तो l दिगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू भी 1 होगी और चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू भी 1 होगी, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान होंगे वो 2 होंगे। यदि मुख्य क्वांटम संख्या 2 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या के मान भी 2 होंगे और इसके मान 4 होंगे और चक्रण क्वांटम संख्या के मान 8। एन बराबर 3 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या के मान 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान 9 क्योंकि उसके वर्ग के बराबर, और चक्रण क्वांटम संख्या के मान 18 होंगे। एन बराबर 4 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या के मान 4, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान 16 और चक्रण क्वांटम संख्या के मान 32 होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताते हैं। सपोज कीजिए एन बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्या एन
एन बराबर दो के लिए हमें चारों कर्ण संख्याओं के मान लिखने हैं, तो सूत्र से एल बराबर जीरो से एन माइनस वन तक, जीरो से एन माइनस वन, इसका मतलब है कि जीरो से एन की वैल्यू दो, दो माइनस एक तक, दो एक माइनस मतलब जीरो और वन, तो एल के दो मान हमें निकलेंगे, एक जीरो और एक वन, ये हुए हमारे पास एल के मान। एम के मान निकालने के लिए माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक, यदि एल बराबर जीरो तो एम बराबर जीरो, एम के मान भी जीरो होंगे, और यदि एल बराबर वन तो एम के मान माइनस एक से प्लस एल तक और शून्य से, शून्य से, तो इसके तीन मान होंगे माइनस एक, जीरो और प्लस एक। इसी प्रकार से एस छठों कर्ण संख्या, इसके दो मान प्लस एक बटे दो और माइनस एक बटे दो, इसके भी दो मान प्लस एक बटे दो माइनस एक बटे दो, इसके दो मान प्लस एक बटे दो और माइनस एक बटे दो, इस प्रकार से प्लस एक बटे दो और माइनस। यदि इसको देखें एन एल एम और एस, इसको देखें, यदि एन बराबर दो यानी एन दो के लिए क्वांटम संख्याओं को निकाला तो एल सूत्र से एल के मान दो निकले, जीरो और एक, यानी अर्थात एल के दो ही मान प्राप्त होंगे, परंतु एम के मान चार मान प्राप्त होंगे, चार में एक जीरो, माइनस एक, जीरो और प्लस एक, और एस के जो मान होंगे वो आठ होंगे, दो दो चार, दो छः और दो आठ। अब एक नए एग्जाम्पल है, हम बताते हैं किसी बी उपकोष को जो रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए एन एल एक्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एल एक्स का मतलब एन ये मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, एल मीन दिगंसी क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, और इलेक्ट्रॉन, एक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि हम देखें तो एन मीन कोस की संख्या, ये कोस, एल मीन उपकोस, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे 2p5, इसका अर्थ है, एग्जाम्पल है 2p5, इसका मतलब है कि दूसरे कोस, कोस का नंबर दो अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या दो, पी सब सेल मीन दिगंसी क्वांटम संख्या जो है उसके लिए p की वैल्यू लगाई जाएगी, और p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन है, तो 2p5 का मतलब है कि दूसरे कोस के p उपकोस में पांच इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से हम पहले क्वांटम संख्याओं से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कीजिए परमाणु क्रमांक 7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं, क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। ये क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। तो इसके लिए परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का होता है, इसका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p3। अगर हम ऑर्बिटल में शो करें तो एक ऑर्बिटल 1s, दो इलेक्ट्रॉन
और पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, अभी पीछे बता चुके हैं, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन दो और दो चार और तीन सात, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p3 में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। इसके लिए n की वैल्यू, n अभी बताया, n कोस की संख्या, कोस की संख्या कितनी है दो। उसके बाद प्यू कोस l की वैल्यू निकालनी है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि l बराबर 0, 1, 2, 3 s p d और f। प्यू कोस के लिए l का मान एक होता है, एक होता है। उसके बाद m, m के मान निकालते हैं माइनस l से प्लस l तक, शून्य सही, शून्य सही, माइनस एक जीरो प्लस एक, अर्थात तीन मान इसके लिए। इससे पहले इलेक्ट्रॉनों को देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लास्ट में। तो m की जो वैल्यू होगी वो प्लस एक, और s अभी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि ऊपर की ओर होता है तो प्लस एक बटे दो। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक सात के लिए चार क्वांटम संख्याओं के n बराबर दो, l बराबर वन, m बराबर प्लस वन या माइनस वन भी हो सकता है, और s बराबर प्लस एक बटा दो होंगे। इसके बाद सभी छात्रों को निम्न क्वांटम संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन हल करने के लिए है कि परमाणु क्रमांक पांच, नौ, तेरह, उन्नीस, 21, 25 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। ये क्वेश्चन आपको अपने घर इसी के आधार पर हल करना है। परमाणु क्रमांक 5, 9, 13, 19, 21, 25 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। इसके साथ ही नई वीडियो के साथ फिर दोबारा फिर मिलेंगे।